परेशान है, जिससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारी बारिश का प्रकोप जारी, आधे देश में बाढ़ का कहर। करोड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित। भारी बारिश और उससे आई बाढ़ ने लगभग आधे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। हर ओर बारिश से तबाही का मंजर है। गांव शहर डूब गए हैं, नदी नालों में सैलाब जैसा मंजर है। जिसकी चपेट में आकर कई गांव तबाह हुए हैं और लोगों की जिंदगी में आफत मची हुई है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले महीने से ही बारिश का कहर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं, जहां भीषण बारिश ने लोगों की जिंदगी नरक बना दी है। भारी बारिश से गांव के गांव डूब गए, सड़कों पर भी जल जमा होने से यातायात ठप हो गया। लाखों लोग इस सैलाब में फंस गए, जिसके बाद भारतीय नेवी की टीम ने लोगों को वहां से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कोल्हापुर की तरह ही महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला भी बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है, जहां हर ओर सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ है। भारी बारिश से नदियों का पानी पूरे उफान पर है और इस पानी की चपेट में आकर पूरा इलाका जलमग्न हो गया, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। पानी भर जाने से कई लोग इन इलाकों को छोड़कर जा चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र से सटे कर्नाटक का भी बाढ़ से बुरा हाल हो गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर राज्य के उत्तरी इलाकों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद मडिकेरी क्षेत्र में 90 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए हैं। राहत बचाव की टीम ने इन लोगों को यहां से निकाला और इन लोगों को राहत केंद्रों में ले गए। राज्य में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उनके रूट को बदल दिया गया है। कर्नाटक की तरह ही दक्षिण भारत के केरल में भी भारी बारिश का कहर जारी है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। गांव शहर हर जगह पानी भरा हुआ है। लोग जुगाड़ की नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकलने को मजबूर हैं। वही भारी बारिश से केरल का कलारकुट्टी डैम अपने पूरे उफान पर है। डैम का ये नजारा किसी भयानक मंजर से कम नहीं है। डैम से निकलते पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके रास्ते में जो भी आए सबको बहा ले जाए। केरल की तरह ही मध्य प्रदेश के बैतूल के डैम का पानी भी उफान पर है। वही भारी बारिश से मध्य प्रदेश के धार में सड़कों पर कई कई फीट जल जमा हो गया, जिससे वहां से गुजर रही बस पानी में फंस गई, जिसके बाद यात्रियों को वहां से निकाला गया। मध्य प्रदेश के साथ बारिश का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। गली मोहल्ले सड़क रास्ते हर जगह जल जमा हो गया है। लोग ना तो घर से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही घर पर ही रह पा रहे हैं। इलाके में राहत बचाव कार्य जारी है। पूरे मोहल्ले में 3 फुट 2.5 फुट तक पानी भरा हुआ, सबके घर में घुसा हुआ है पानी पूरा। तो सामान वामान का सामान सब ऊपर कहीं पलंग के ऊपर कहीं पर रखे हैं, जैसे भर के रखे हैं ऊपर पर। मैं क्रमांक 23 से बता रहे हैं, यहाँ पर बाढ़ आ चुका है भैया, घर भी ढह गया है। बाजू वाला घुटने तक पूरा कमर तक पानी आ चुका है, आप देख रहे हैं पीछे नजारे। पुलिया से ऊपर चल रहा है पानी, पुलिया बना। रात भर कोई नहीं आया भैया, रात भर कोई नहीं आया। अपने निगम से कोई कर्मचारी नहीं था। अपनी देख रहे हैं, रात को साफ किया, रात के 2-3 बजे से उठ के लड़के मन पूरा साफ सफाई कर रहे थे। और अगर और बारिश होती है, बारिश होगी तो और बढ़ जाएगा सर। लगभग आधे देश में हो रही मूसलाधार बारिश से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं।
वहीं कई लोगों की जान भी चली गई है। मौसम विभाग ने बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही राहत बचाव कार्य भी तेजी से शुरू कर दिया है।